रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, मैं हूँ मतीउल्लाह जान और आप देख रहे हैं जानसेब इलेक्ट्रिक वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम वॉशिंग मशीन के लीकेज के रिपेयरिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन में ये मसला है कि जब इसे खाली में चलाया जाता है तो इसमें कोई शॉर्ट वगैरह नहीं होता, लेकिन जब इसमें पानी डाल दिया जाता है तो इसकी बॉडी फुल शॉर्ट हो जाती है और करंट देने लगता है। तो मैंने इसके सारे कनेक्शन वगैरह चेक कर लिए हैं, वो सब बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा मोटर का शॉर्ट भी चेक है, लेकिन मोटर भी ठीक है। लेकिन इसका जो स्टील का टब है, तो अगर आप लोग इसे गौर से देखें यहाँ से, तो यहाँ से किसी ने इसका ड्रम लीक कर दिया है, जिसकी वजह से जब भी इसमें पानी डाल दिया जाता है तो थोड़े थोड़े वक्त के बाद यहाँ से पानी लीक होता रहता है और वो पानी मोटर पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन की सारी बॉडी शॉर्ट हो जाती है। इस पर पहले भी किसी ने जो मैजिक डिपॉक्सी होता है वो लगाया हुआ है, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये दोबारा लीक हो चुका है। तो अब हम इस पर मैजिक नंबर वन लगाएंगे, ये वाला। इन दोनों को हम बराबर मकदार में मिक्स करेंगे और इसके साथ थोड़ी सी रुई भी लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे मिक्स करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इन दोनों को बराबर मकदार में मिक्स करेंगे। अब हम इस दूसरे वाले को भी इसे इतनी मेदार में मिक्स करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी रुई शामिल करेंगे। अभी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, तब इसे इस लीक वाली जगह पर लगाएंगे। तो ये अच्छी तरह से लग गया है। अब हम इसे 24 घंटों के लिए छोड़ लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, और इसके बाद इसकी मोटर वगैरह फिट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।